नमस्ते, मैं हूं अमन त्रिवेदी। आप देख रहे हैं हमारी इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। बड़ी खबर औरैया से है, जहां औरैया साईं मंदिर में रिलीज होगी फिल्म बुंदेलखंड का सिपाही। खबर औरैया से है, जहां औरैया के साईं मंदिर से बुंदेलखंड का सिपाही फिल्म के एक्टर आमिर खान ने बुंदेलखंड की सिपाही का नाम की फिल्म बनाई जा रही है। जहां फिल्म एक्टर आमिर खान ने बताया कि सिर्फ सुंदरता ही काबिलियत नहीं दिलाती, बल्कि व्यक्ति के अंदर टैलेंट का होना अति आवश्यक है। बुंदेलखंड का सिपाही फिल्म के एडिटर बलवंत कुशवाहा, बिक्की सहित एक दर्जन कलाकार लोग मौजूद रहे। इस बुंदेलखंड का सिपाही फिल्म के मुख्य अतिथि श्रीधर पांडे जी, अध्यक्ष अनूप गुप्ता जी, योगेंद्र यादव और प्रसपा के जिला अध्यक्ष आदर्श पांडे जी आदि कई लोग मौजूद रहे। हमारी इंडिया टीवी ब्यूरो। जी भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरी छोटी चल रही है आयुर्वेदिक। तो फिल्म का उद्देश्य यही है कि नारी शक्ति को बढ़ावा मिले और सब लोग ध्यान दें कि क्या है क्या नहीं। फिल्म में आपका महत्वपूर्ण रोल क्या है? इसमें मेरा पुलिस का इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर का रोल। इसमें आप महिला समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? आगे बढ़ के कुछ आगे कुछ करें, उनमें जागृत हो, शक्तियाँ आए और महिला ये ना समझे कि हम कमज़ोर हैं, इससे आगे बढ़ें और अपना समाज के लिए कोई हित का काम करें। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये जो आप पुलिस का रोल निभा रही हैं, आपसे ज़्यादा आपकी माँ टैलेंटेड लग रही हैं, इसके पीछे हाथ किसका है? मेरी मम्मी का हाथ। चलिए चलिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपको। औरैया की धरती पर लॉन्च हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि सभी लोग मूवी को देखें और सपोर्ट करें, अपना प्यार दुलार दें फिल्म को। आपकी टीम, जो पूरी टीम है पिक्चर की स्क्रिप्ट, उसका कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, उसका आज यहीं से मंदिर से विचार हो गए। अभी आगे बड़े भाई मगनू पांडे जी, अनूप भाई साहब जी, कन्नू भैया जी, क्योंकि मैं वरिष्ठ हूँ तो सभी का नाम तो नहीं जानता हूँ, ना ही ले सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी का नाम लेने में त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें। बाकी जो अभी आपके सामने हमारे सर जो आपको एंकरिंग कर रहे थे, आपको बता रहे थे सभी के बारे में, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बहुत अच्छा, देखिए ये जो फिल्म आमिर खान ने बनाई है और इसका साथ आमिर खान जी का साथ दिया है हमारे दमन सिंह जी ने, ये बहुत ही बधाई की बात है। कहने का मतलब है कि बलवंत जी आमिर तो चला था एक अकेला अपना अपने आप को लेकर, और कहते हैं कि मैं चला था अकेला। आज साईं मंदिर के हॉल में जो ये फिल्म का कार्यक्रम हो रहा है उसकी अध्यक्षता कर रहे बहुत बहुत सम्मानित प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला प्रमुख महासचिव आदरणीय गुप्ता जी, मुख्य दिन बहुत बहुत सम्मानित जो औरैया रत्न से जाने समाज में आगे चल के लोगों की सेवा करते हैं, उन्होंने ये साईं मंदिर ट्रस्ट बनाया है लोगों की सेवा के लिए और साईं धाम वासी समाज से भी आले पांडे जी और मंच पर बैठे हमारे मनोज जी प्रबंधक जी के साथ पूरे टीम के कलाकार उनके साथ में जो मेरी बहने हैं वो कलाकार सामने बैठे हुए हमारे नौजवान साथी और मार्गदर्शक और जो कुशल राष्ट्रपति गांधी और खुशाली कुमार, उसमें मैंने एक हरिशंकर पांडे विधायक के असिस्टेंट का किरदार किया है। ये फिल्म आपको नवंबर में देखने को मिलेगी। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा इस स्टार कास्ट के लिए और आप सभी के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। चलो गड़गड़ाहट यार इतनी होनी चाहिए कि मंच पे लगी आ रही है हजारों लोग बैठे हैं, सिर्फ हम आपसे तालियों की फरमाइश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है,
डीके प्रताप रिजवान इमरान आएगा, कोई इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएगा, कोई हीरो के, कोई हीरोइन के, और अपनी अपनी भूमिका सभी ने बड़े अच्छे से निभाई है। एक बार सभी का थोड़ा ऐसे साइड से आ जाएगी तो आप लोगों को भी तस्वीर आ जाएगी। थोड़ा बेटा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा सभी लोग की तस्वीर पीछे। हम मुझे लगता है इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई हुई थी एक्ट्रेस ज्योति, शायद वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, आने वाले हैं। ये इन्हें कास्ट किया गया था भोपाल, और उनको कास्ट किया था मिस्टर आमिर खान ने, जो कि बस आपके सामने अभी उपस्थित हो।